हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रेजी जीको पॉइंट्स। टुडे हम डिस्कस करेंगे आपसे करंट अफेयर्स, जिसमें मार्च और अप्रैल मंथ का डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, जो 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें हमने टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, और इसमें हमने कुछ फोटो भी उससे रिलेटेड ऐड किए हुए हैं, तो वीडियो जो है और ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किसने कोरोना स्टडी लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन दे दिल्ली सरकार, एनबीटी, सीबीएसई, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर क्या है, एनबीटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में किस संस्थान ने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करने की शुरुआत की है, ठीक है। ऑप्शन दे डीआरडीओ, नासा, इसरो, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर क्या है, डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री से चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मोदी किचन पहल की शुरुआत की। इसमें यह किया गया है कि जितने भी जो लोग रोड पे बैठे हुए हैं या जगह जगह घूम रहे हैं, उनके लिए बेसिकली खाना बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उस मिशन का जो नाम रखा गया है, मोदी किचन, ठीक है। तो आपसे देखते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में भारत पे COVID-19 को कवर करने वाली बीमा की सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है, ठीक है। आप देखते हैं, एडको जी आई, भारतीय एक्सा जी आई, ICICI, लैम्बर्ट जी आई, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर कौन सा है, फोर है, ICICI, लैम्बर्ट जी आई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं फाइव की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने संक्रमित लोगों को पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर है क्या, हिमाचल प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। सिक्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है, पर्यटन मंत्रालय। ये बेसिकली जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, उनकी सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में UNCTAD जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन देते हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, इटली। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट आंसर हो क्या है, भारत। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, हाल ही में द डेथ ऑफ जीसस के लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन देते हैं, JM कोएटजी, सुविता छावड़ा, धर्मेंद्र राय, डॉक्टर के खंडेवालाल, ठीक है, खंडेवालाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर क्या है, JM कोएटजी इस के लेखक है। नाउ क्वेश्चन हम चलते हैं नाइन की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए भालू के पित्त को उपयोग करने की सिफारिश की है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि करंट टाइम में कोरोना के लिए कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन कोई भी अभी बनी नहीं है, ठीक है। और जैसा कि भारत जो अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अदर कंट्री को भेज रहा है और उससे रिकवरी चल रही है इंडिया में और अदर कंट्री में, उसी के चलते चीन ने, ऑप्शन देखते हैं, चीन ने ये बोला है कि भालू के पित्त का उपयोग करने से इसमें कुछ मदद मिल सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, इटली। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट आंसर है क्या है, चीन। क्वेश्चन नंबर टेन, हाल ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया गया है, 29 मार्च, 1 अप्रैल, 4 मई, 20 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या है, 1 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नासा सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन की घोषणा की है, ठीक है। आप समझते हैं, आर्टेमिस, सनशाइन, सनराइज, कोई। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या है, सनराइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सुंदर होम फाइनेंस के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया, मोहित गोयनका, अरविंद कृष्णा,
लक्ष्मी नारायण दुर्गस्वामी, अजय भूषण पांडे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या है, लक्ष्मी नारायण दुरे स्वामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य में रेडियो स्कूल शुरू किया गया। ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 14 से चलते हैं, हाल ही में किस राज्य को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है, कौन सा राज्य। ठीक है, ओके, ऑप्शन देते हैं, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या है, वो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली छात्रों को स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है। ऑप्शन देते हैं, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, हाल ही में BCCI चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देते हैं, सुनील जोशी, हरविंदर सिंह, सौरभ गांगुली, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर कौन है, सुनील जोशी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है। NS विश्वनाथन, BP कानूनगोज, चंद्रचूड़, मिकल देवरत पत्रा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या, NS विश्वनाथन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ चेन चैंपियंस नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है। ऑप्शन देते हैं, धर्मेंद्र राय, नरेंद्र मोदी, श्रीमती ईरानी, या कोई नहीं। तो ऑप्शन देते हैं क्वेश्चन मीटिंग में कौन, स्मृति ईरानी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य ने नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया। ऑप्शन देते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर कौन सा है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, 2023 में IOC का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, मिजोरम, असम, दिल्ली, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आपका, वो है मुंबई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए A1 संचालित ड्रोन विकसित किया है। ऑप्शन देखते हैं, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर क्या है, IIT मद्रास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रख दिया गया। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जम्मू एयरपोर्ट, कोल्हापुर एयरपोर्ट, औरंगाबाद एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर क्या है, औरंगाबाद एयरपोर्ट का। संभाजी जो महाराज हैं वो छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में WIPO का महानिदेशक किसे बनाया गया। ऑप्शन दिया, डैरेन टैंग, बिमता जुल्का, संजय कोठारी, अजय पटेल। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर क्या है, डैरेन टैंग। हाल ही में BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए पोल में किस नेता को महान नेता चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, महाराजा हरीश सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा सूरजमल सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर कौन है, महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, परमवीर सिंह, अजय पटेल, राजीव बंसल, SN श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर क्या है, SN श्रीवास्तव। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसे एक्सिस बैंक में CFO नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देते हैं, सुमंत कटपालिया, पुनीत शर्मा, संजीव चड्ढा, राजीव बंसल। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का जो राइट आंसर कौन है, पुनीत शर्मा को एक्सिस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में yahoo.in के नए निदेशक कौन बने हैं। ठीक है, जो वायु जो yahoo.in जो साइट होती है उसके नए निदेशक कौन बने हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, बीमत जुल्का, संजय कोठारी, मोहित गोयंका, अजय पटेल। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है, मोहित गोयंका। क्वेश्चन नंबर 28,
हाल ही में लोकसभा स्पीकर कौन? ओम बिरला। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज द लोकसभा स्पीकर, ठीक है? तो कौन है? ओम बिरला ने सुपोषित महाअभियान लॉन्च किया है, ठीक है? वो कहाँ? ऑप्शन देते हैं, कोटा, नेपाल, कानपुर, बिहार। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर क्या है? कोटा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है, ठीक है? ऑप्शन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन, आसनसोल रेलवे स्टेशन, बिहार रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर क्या है? बिहार रेलवे स्टेशन, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में व्हाट्सएप चैट बोट का उपयोग करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? ऑप्शन देखते हैं, LIC, भारती एक्सा, जियो, आइडिया। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर कौन सा है? भारती एक्सा। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में yahoo.in के निदेशक कौन बनाए गए हैं? मोहित गोयनका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुपोषित महाभियान लॉन्च किया कहाँ है? कोटा में। ये तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस राज्य ने संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है? ऑप्शन थे, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर कौन है? वो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस राज्य ने नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता, ठीक है? ऑप्शन थे, नेपाल, कानपुर, बिहार, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं, हाल ही में किसने फाइल के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया, ठीक है? BSF, CISF, RPF, CDS। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर क्या है? CISF, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किसने कोविड से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया है? ऑप्शन देते हैं, नासा, इसरो, WHO, DRDO। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर क्या है? नासा, ठीक है? नाउ क्वेश्चन, हम चलते हैं 37 की तरफ। हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई के लिए पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है? उत्तर प्रदेश, नेपाल, कानपुर, बिहार। वर्चुअल कोर्ट मतलब बोले तो ऑफलाइन, मीन्स दैट ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि वर्चुअल मतलब एक आभासी बोल सकते हैं, ठीक है? उस टाइप के कोर्ट की बात की है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है? E38, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन देते हैं, ई ग्राम समाज पोर्टल, स्वामित्व योजना पोर्टल, दोनों या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर क्या है? दोनों, ठीक है? ई ग्राम समाज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है, ठीक है? ऑप्शन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का, संजय कोठारी, बीपी कानूनगो, चंद्रचूड़, मिकल देवद्रत पात्रा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर, संजय कोठारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, चीन के पहले मास अन्वेक्षण मिशन का नाम क्या है, ठीक है? ऑप्शन देते हैं, टेनसेट 1, तियानमेन 1, तेलियान 1, फिक्सिंग 1। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर क्या है? तियानमेन 1। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, हम जल्द ही आपसे जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।